पौने आठ नंबर आए सचिन गुर्जर, सचिन गुर्जर मैथ की कॉपियां हैं आठवीं क्लास की, जस्ट कम हियर, डबल जीरो। रोहित सैनी डबल जीरो, नरेश वर्मा, नरेश वर्मा एबसेंट है आधा नंबर आया है। प्रिंस जाट, प्रिंस जाट मैथ में सात नंबर आए। असवन स्वामी मैथ में सात नंबर आए। गुड्डी सैनी, गुड्डी सैनी एक नंबर। करिश्मा सैनी ये लोग सवा दो नंबर आए, ये पूरी दो है, पूरी दो नंबर आए ना। आयशा प्रजापत सवा छः नंबर। विक्रांत सैनी आठ नंबर। हिमांशु जाट, हिमांशु जाट सवा नौ नंबर। तारी बजो भैया चार नंबर। प्रिया सैनी डेढ़ नंबर। प्रदीप सैनी नीरज नागिन भाई छह। मंजीत सेठिया, मंजीत सेठिया कमियर, मंजीत सेठिया को इधर भाई सात नंबर आए मंजीत सेठिया के। अमित वर्मा एबसेंट है डबल जीरो नंबर आया। विनय सैनी, विनय सैनी एबसेंट है साढ़े नौ नंबर आए हैं। ख्याली राम, ख्याली राम एबसेंट है नौ नंबर आए। नीतू सैनी, नीतू सैनी जोरदार ताली दस से दस नंबर आए। दस में से एक नंबर इंग्लिश में। ये लो नवीन गुजर दस में से आठ नंबर। अंकित मौर्य, अंकित मौर्य आठ नंबर में से साढ़े पांच नंबर आए बारह क्लास। ये लो सुनील सैनी, सुनील सैनी दस में से दो नंबर। सुनील सैनी दस में से दो नंबर। भूपेश मौर्य, भूपेश मौर्य भैया नंबर तो सारे सही है, सब कुछ सही है। नितेश राजपूत, नितेश राजपूत आठ में से छह नंबर आए हैं। विशाल सैनी विशाल सैनी साढ़े पांच नंबर आठ में से। रवि मेहरा, रवि मेहरा आया क्या दस में से तीन नंबर। प्रमोद यादव दस में से डेढ़ नंबर भैया इसलिए बगड़े थे आप। ये लोग अंकित सैनी, अंकित सैनी दस में से एक नंबर। दीपिका मीणा नाइन्थ क्लास दस में से आठ नंबर। अनिकेत, अनिकेत दस में से तीन नंबर। रिंकू, रिंकू सैनी, रिंकू सैनी एब्सेंट दस में से ढाई नंबर आए। कनिष्क मीणा, कनिष्क मीणा दस में से दो नंबर। राहुल, राहुल मौर्य दस में से साढ़े चार नंबर। वीरेन दस में से सात नंबर। नीरज सैनी, नीरज सैनी दस में से चार नंबर। अमित सैनी, अमित सैनी दस में से तीन नंबर। जितेंद्र प्रजापत दस में से तीन नंबर। कामाक्षी दस में से नौ नंबर। जोरदार तालियां। विद्यार्थी है सबसे पहले दक्ष जाट दस में से पांच नंबर। जीविका गुजर दस में साढ़े आठ नंबर। रितिका दस में से साढ़े आठ नंबर। विशु, विशु गुजर दस में से नौ नंबर, दस में से नौ नंबर। परी, परी दस में से सात नंबर। नंदनी दस में से आठ नंबर। यशदीप, यशदीप पच्चीस में से सात नंबर भैया पढ़ाई शुरू करो। नितेश कुमार पच्चीस में से पाँच नंबर। शिवाली मीना दस में से नौ नंबर। जोरदार तालियां। कुलदीप सिंह दस में से साढ़े चार नंबर। युवराज दस में से पाँच नंबर। अक्षिका, अक्षिका दस में से पाँच नंबर। सचिन जाट दस में से तीन नंबर। दीपिका सैनी दस में से तीन नंबर। दस में से पांच नंबर। हेमंत सैनी दस में से दो नंबर। कविता जाट दस में से आठ नंबर। प्रदीप जाट दस में से साढ़े छह नंबर। और
ये कौन है इसकी, इसका नाम है, ये आठवीं क्लास की कॉपियां है एनएमएमएस की, ठीक है। हाँ, ये प्रिया सेन, प्रिया सेन 15 में से 14 नंबर, दो नंबर का प्रिया सेन। सतीन सैनी 15 में से 13 नंबर, दीपिका सेन सैनी है, दीपिका सैनी 15 में से 11 नंबर। उसके बाद दीपिका ओली फॉर दीपिका नाम लिखा है, दीपिका 15 में से 10 नंबर है। दीपेंद्र सैनी 15 में से 13 नंबर, रितु 15 में से 14 नंबर, सारिका 15 में से 11 नंबर, लक्की सैन नहीं आया 15 में से 9 नंबर आए, प्रिया सैन ये भी नहीं आई ना, सचिन सैन को नहीं। तो दियो को नो गो, ऐसा कोई विद्यार्थी हो जिसकी कॉपी नहीं हो तो हाथ तो कर सकता है, ओनली फॉर वन सही क्यों भाई, मेरी पूरी गई नहीं भैया, खड़े हो जिसकी कॉपी नहीं आई है, खड़े हो जिसकी कॉपी नहीं आई है, नाम लिखो हाँ भैया, किसने पूरी किसने नाम किया है, मैं ना सुधिया मीनिंग वगैरह सब कुछ नाम किया ना, मीनिंग सही है कंप्लीट, तो मेरी गलत नहीं है ना, ये लो है कौन है भैया, रिक्वेस्ट मुझे जोड़ता ताली 10 मिनट में करा, गुड़ते देंगा देना बिन कॉफी। अच्छा इनाम क्या बताइए, तो कहां से कहां आप कितना नंबर आए, कितना है कैसे क्या हुआ, मैं संभाले कुछ भाई, एक इनाम पूछ लिया करो आप, है ना, जैसे आज पेपर हुआ है, इस पेपर की इनाम जो आपकी रहेगी वो ज्योमेट्री बॉक्स रहेगा, ठीक है, ओनली फॉर ज्योमेट्री बॉक्स। और आपका स्कूल का समय भी शायद मुझे लगता है चेंज हो गया है, यस ध्यान दीजिएगा, आपके स्कूल का 10 से 4 का समय हुआ है, ठीक है, तो कोई भी विद्यार्थी विशेषकर बोर्ड की क्लास वाले जो विद्यार्थी हैं वो अपना टिफिन वगैरह स्कूल में या फिर यहाँ साथ लेके आए, घर के कोई नहीं जाएगा, जैसे आप स्कूल से छूट रहे हो तुरंत आपको यहाँ पे, ठीक है, आपका जो समय रहेगा वो 4 से 6 का, जो पहले समय था वही समय रहेगा, ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थी घर पे जाकर के ये नहीं कहेंगे सर जी तो 3:30 बजे बुलाऊं जी, मैं 4 बजे पूछ रहा था 4:30, है ना, कोई इश्यू नहीं है, मुझे पता है कि आप 4 बजे वहाँ पे छूट रहे हो, ये चीज मैंने आपको पहले बता दी थी, आपका कोर्स लमसम सा कंप्लीट हो चुका है सभी सब्जेक्टों में, रिविजन वाला मैटर चल रहा है, ये आपको पता है कि 5:30, ये पहले मैंने बताया था 5:30 पूरी 6 बजे तक आपका दिन छिप जाएगा, अंधेरा हो जाएगा बिल्कुल, अब 5:30 फिलहाल में बज रहे हैं या 6:30 हो गए लमसम, तो 5:30 पूरी 6 हो जाएंगे तो दिन छिप जाएगा, आगे आगे दिन छोटे हो जाएंगे, तो उस दौरान ऐसा आपको फील नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा काम है कि आपका कोर्स कैसे करवाना है, संडे को बुलाना है या कोई दूसरी छुट्टी हमें आपकी नहीं रखनी है, वो हमारा काम है, आपको प्रॉपर पढ़ाई करवाई जाएगी, लेकिन ऐसी दिमाग में थिंकिंग नहीं रखनी है कि सर जी तो 2 घंटे के पैसे लिए थे लेकिन पढ़ा 1.5 घंटे या 1 घंटे रहे हैं, अरे बस में 4 बजे आप छूट रहे हो तो 4:15 तक यहाँ पे पहुँच सकते हो, नो प्रॉब्लम, अरे बस में हाँ, लेकिन 4:20 से अगर आप लेट हो रहे हो तो फिर पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है ना, आपको भूख लगती है तो आप यहाँ पे लंच लाओ या फिर आप 8 रुपया खाया हो, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान।